आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात के ड्राई स्टेट होने के बावजूद 15 साल में 845 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। इतना बड़ा नेटवर्क बीजेपी के किन राजनेताओं के संरक्षण में चल रहा है? शराबबंदी से गुजरात सरकार को हर साल 15,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, लेकिन शराब तो खुलेआम बिक रही है। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ लोग चाहते हैं कि गुजरात की तरह यहाँ भी नकली और जहरीली शराब का कारोबार चले। दिल्ली सरकार जब से नई एक्साइज पॉलिसी लाई है, ये लोग बहुत परेशान हैं। ये वैद्य शराब की दुकानें हटाकर वही पुराना धंधा शुरू करना चाहते हैं। नई एक्साइज पॉलिसी के बाद दिल्ली में शराब की दुकानें कम हुई है। नई एक्साइज पॉलिसी से पहले दिल्ली में 849 शराब की दुकानें थी, अब 468 शराब की दुकानें हैं। गुजरात तो ड्राई स्टेट है, गुजरात के अंदर तो शराब अरसों से जो है बंद है, तो गुजरात जैसे राज्य के अंदर शराब आ कहां से रही है? गुजरात के अंदर शराब बेच कौन रहा है? और ये खबर कोई पहली बार नहीं आई। आप गुजरात के लोकल न्यूज खोल के देखिए, गुजरात के अखबारों को खोल के देखिए, लगभग हर महीने किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में, तालुका में कहीं 2 मर गए, कहीं 5 मर गए, कहीं 19 मर गए। जहरीली और नकली शराब पीने से मरना गुजरात के अंदर एक आम बात है, एक आम खबर है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क गुजरात के अंदर अगर चल रहा है तो कैसे चल रहा है, किन राजनेताओं के संरक्षण में चल रहा है, और इसका सीधा नुकसान क्या है कि कुछ साल पहले गुजरात सरकार केंद्र सरकार से पैसा मांग रही थी और कह रही थी हम 10,000 करोड़ रुपए का एक्साइज का नुकसान कर रहे हैं क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। यानी कि आज की तारीख लगा लें तो करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान स्टेट गवर्नमेंट का है क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। मगर ये 15,000 करोड़ रुपया जो सरकार की जेब में आना था वो किसी की जेब में तो जा रहा है क्योंकि शराब तो पूरी बिक रही है वहां पे। यहां पे भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर भी नकली और जहरीली शराब का कारोबार चले, और जब से दिल्ली सरकार 2021 नवंबर से नई एक्साइज पॉलिसी लाई है वो लोग बहुत परेशान है कि किसी तरीके से ये जो लीगल दुकानें आ गई इनको हटा के वही पुराना बूटलेगर्स का धंधा शुरू करें जिसके अंदर बोटा, इसके अंदर बहुत पैसा है, और सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब एजेंसियों को आज लिकर वेंडर्स के ऊपर छोड़ा गया है ताकि उनको डरा धमका के उनका काम बंद कराया जाए। और भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों झूठ जो है जब से लिकर पॉलिसी आई है तब से फैला रहे हैं। अभी 2 दिन पहले इनके एक स्पोक्सपर्सन एक टीवी डिबेट में झूठ बोलते हुए मैंने उनको पकड़ा, उन्होंने टीवी डिबेट में बोला जो भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बोलता है कि इस पॉलिसी से पहले दिल्ली में 250 शराब की दुकानें हुआ करती थी और अब 850 और 1,000 दुकानें हो गई। ये बीजेपी के नेताओं का पेट झूठ है। आप किसी भी नेता को सुन लीजिए, आदेश गुप्ता हो, रामवीर सिंह विदुड़ी हो, आरती मेहरा हो, शहजाद पुनेवाला हो, कोई भी हो, हर आदमी ये बोलता है और ये सरासर झूठ है। मैंने उनको चैलेंज करके बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।